हेलो नमस्ते नमस्कार चैनल स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। 2022 के अक्टूबर में फिल्म केडी का फर्स्ट टीजर रिलीज किया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही डेट है। उसके बाद कुछ कुछ अपडेट्स आते 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 अभी आज संजू बाबा का जन्मदिन है और एक नया पोस्टर, उनका मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। ढाक देवा करके उनका नाम है, पुलिस वाले का रोल वो प्ले कर रहे हैं, तो उनका मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। और अभी से ठीक 2 महीने पहले इसका एक ऑर्केस्ट्रा क्लिप जो है वो वीडियो रिलीज किया गया था, और ठीक उससे मतलब 2 साल पहले जैसा मैंने आपको बताया कि फरवरी 2022 में ही फिल्म का टीजर केजी का टाइटल अनाउंसमेंट टीजर जो है वो रिलीज किया गया था। तो इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है। और एक और मैं बात कर लेता हूं, ध्रुवा सर जैसा की ये दोनों फिल्में हैं, मार्टिन भी जो है वो बहुत टाइम पहले उसका जो टीजर है वो रिलीज किया गया था। इस बात को भी लगभग 1.5 साल हो चुका है, आई थिंक फरवरी 2023 में मार्टिन का फर्स्ट टीजर रिलीज किया गया था और बताया गया कि फिल्म जो है वो बहुत जल्द रिलीज होगी, लेकिन वो बहुत जल्द अब आने वाली है अक्टूबर में। जी हाँ, अक्टूबर में मार्टिन का रिलीज डेट लॉक किया गया है। केडी का जो रिलीज डेट है वो लॉक किया गया है दिसंबर 2024 में। तो दोनों फिल्में अक्टूबर और दिसंबर में ध्रुवा सर्जा सर की रिलीज होने वाली है। अब मुझे ना प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को, ये जो एक नया ट्रेंड चल चुका है, स्पेशली मैं बात करूं साउथ की, चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सभी जगहों पे ये चीज स्टार्ट हुआ है, ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, और देखा देखिए अब बॉलीवुड वाले भी करने लगे हैं। तो वो ट्रेंड क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले अब क्या रिलीज किया जाता है, हीरो के बर्थडे पे अनाउंस किया जाता है कि ये उनकी पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 20वीं, 50वीं ऐसी फिल्म है, मतलब ये टाइटल और फिल्म का नंबर, उस हीरो के फिल्म का नंबर। उसके बाद आता है फिल्म का पोस्टर। जी हाँ, पोस्टर पे भी फिल्म के नाम के बारे में कोई मेंशन नहीं रहेगा। अगला जो है फिल्म के जो कितने नंबर की फिल्म हो गई, उसके बाद आता है फिल्म का पोस्टर रिलीज किया जाता है। उसके बाद फिर मोशन पोस्टर। जी हाँ, पोस्टर होता है, पहले पोस्टर रिलीज हुई, उसके बाद मोशन पोस्टर रिलीज किया जाता है, उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि अब फिल्म का टाइटल यह है। टाइटल के साथ एक नया पोस्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया, नहीं, उसके बाद तो अब मेन कहानी शुरू होती है। उसके बाद आता है टीजर, फिर आता है ऑडियो टीजर, फिर आता है ट्रेलर, उसके बाद फिल्म का पता नहीं क्या क्या ये लोग रिलीज करने लगते हैं, और लेते देते फिर आ जाता है हीरो का बर्थडे, फिर बर्थडे पे टीजर अनाउंसमेंट किया जाता है। और अभी तो आपने देखा होगा फिल्म उपेंद्र सर का जो यूआई मूवी आने वाली है, उसका एक ऑडियो टीजर रिलीज किया गया, फिर वीडियो टीजर रिलीज किया गया, और अभी फिल्म का कोई अता पता नहीं है कि फिल्म कब रिलीज होने वाली है। तो किस धर्रे पे जा रहे हैं हम लोग, कौन सी चीज को फॉलो कर रहे हैं। एक समय होता है कोई भी चीज के एक्साइटमेंट को लेके, अगर आप इतना टाइम डिले कर दोगे, इतना डिले करोगे कि ऑडियंस में जो एक एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाए आपकी फिल्म को लेके, आपकी फिल्म जब आए ऑडियंस देखने ही ना जाए, भैया इसका टीजर तो 3 साल पहले रिलीज किया गया था, फिल्म अब आ रही है। टीजर ट्रेलर इसलिए रिलीज किया जाता है कि हाइप बने, टीजर ट्रेलर रिलीज करो, फिल्म रिलीज करो, फटाक से महीने भर के अंदर देखो कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन पता नहीं कौन से ट्रेंड पे ये लोग चल रहे हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ साउथ की। जी हाँ, कौन से ट्रेंड पे ये लोग चल रहे हैं, आगे इसका क्या इनको फायदा होगा, नुकसान होगा, या क्या फिल्म बस सोचा यार इसको लेकर फिल्म बनाते हैं, ये हीरो होगा, बनाओ एक मोशन पोस्टर, ग्राफिक डिजाइनर को पैसे दिए, बनाओ धूम धाम धड़ाम धूम, बस रिलीज कर दो। ऑडियंस सोचते रहे अब 2 साल 3 साल तक सोचते रहे कि कब आएगी फिल्म, 25 26 27 28, मतलब कुछ है ही नहीं। अनाउंस करने से नहीं होता, फिल्म बनाओ उसके बाद अनाउंसमेंट करो, या फिल्म जब शूटिंग स्टार्ट हो जाए अनाउंसमेंट करो, 6 महीने साल भर के अंदर टाइटल टीजर जो भी डालना है डालो, फिल्म रिलीज करो, फटाक से मामला खत्म करो। वरना कंडीशन देख रहे हो, स्थिति देख रहे हो क्या है, सिनेमा हॉल्स चल नहीं रहे हैं, OTT आ गया है तब से और बैंड बजा रखा है इसने सिनेमा हॉल्स का, तो नुकसान फिल्म के प्रोड्यूसर्स को ही होता है, एक्टर्स को ही होता है। अक्षय कुमार को देख लो, साल में 5-6 फिल्में करता है, लेकिन क्या फायदा हो रहा है, अभी एक के बाद एक फिल्में जो है वो फ्लॉप हो रही है। तो ऑडियंस को चाहिए मसाला, ऑडियंस को चाहिए स्टोरी, अगर आप देते हो तो ठीक है, वरना फिल्म बनाते रहो, फ्लॉप होती रहेगी, एक दिन प्रोडक्शन हाउस हो जाएगी आपकी डब्बा बंद। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो कर ले सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद।